आइए हम खुदावन की प्रस्तुति करते हैं और उसकी मदद सहायता करते हुए प्रस्तुति करते हुए उसके तख्त के सामने आते हैं, क्योंकि उसको उसका शुक्र बजालाना, उसकी हमद सताइश करना हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि वही एक खुदावंद है जिसका शुक्र बजालाना और गीत गाना उसके सामने उसकी हुजूरी में तो उसके गेट में उसके उनके गेट में उनके सामने हम शुक्र बजा लाते हुए आते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड फॉर इट इज गुड टू सिंग प्रेज अनटू योर आवर गॉड फॉर इट इज प्रेजेंट एंड प्रेज इज कॉमन। थैंक यू फादर फॉर वंस अगेन फादर वी कैन वर्शिप द लॉर्ड। आई विल से द I will praise the Lord. We will say, sing a hymn to the Lord to worship and glorify His name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the Lord our God. We praise your name. Holy, 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 Lord, O God Almighty. Praise you, Jesus, praise you, Father, praise you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are my rock, my salvation. My hiding place you are. Oh, my fortress, my Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come and take charge, Lord Jesus, come. Spirit, come and take the charge of our soul, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Spirit. खुदावन्द का शुक्र हो इस खूबसूरत मौका के लिए जिसने हमें बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आ सके और उसकी मदद सराई कर सके। आए खुदावन्द तेरा शुक्र बजालाते हैं हम उसकी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए और इस खूबसूरत टाइम के लिए। फिर से उसका शुक्र बजालाते हैं, जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि वही हमारा खुदावन्द है, वही हमारी जितनी छुपने की और हमारी निजात की चट्टान है। हम उसके सामने आते हुए हम वर्शिप को जारी रखेंगे और हम रवि को कहेंगे कि वो खुदावन्द की प्रस्तुत में कोई गीत गाएं। आर्यनु जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे पूंज के हंजू मेरे पूंज के इसने दे नाल लाल मुखंदा हेठ बैठे शरण मैनू खंबा हेठ चपा लै तू पुराने तू जेड़े मुझे लगे
ये दुख भी मेरी जिंदगी पड़े हैं ठाक अब पुराने जेड़े मुक्ता तो मेनू लगे ने जिन्ने दुख भी मेरे तेरी चपाल है तू मेरे रोग जाने लुकिया की ते छुपे जाने बीतन वाले जाने बीतन वाले बने तू मैं उड़ा कर कुटी हां मैं तेरी शरण च आया हां मैनू खंबा हेठ छिपा लै तू मैं तेरी शरण च आया हां मैनू खंबा हेठ छिपा लै तू तेरा प्यार है उत्तम यसू जी नाम नया मिंटी हुंदी ए तेरे कीते होए मंगणियां दी हुंदी ए तेरा प्यार है उत्तम यसू जी नामने मिंटी हुंदी ए such a mom. He literally got to Mel and go, just like play. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He is our hiding place. He's most high. His most high hiding place. He is. He's our refuge, our fortress. Without him, we are nothing because he's our secure place to hide. हम वर्शिप को जारी रखेंगे और अभी हम मारिया और प्रोबल के साथ में उसके खुदा उनकी वर्शिप करेंगे ठीक है जलाली नाम में आप सबकी शांति है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरे लहू से मिले मुझे माफी है तेरे लहू से मिले मुझे माफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए है तारीफ ओ खुदा के बर की 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 मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है जिंदा है मेरी नजात का बानी जिंदा है जिंदा है जिंदा है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरे लहू से मिले मुझे माफी है तेरे लहू से मिले मुझे माफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है
मेरी यीशु है, यीशु है मेरी हयात का चश्मा, यीशु है, यीशु है मेरी शिफा का मंबा, यीशु है, यीशु है मेरी हयात। यीशु है तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। गुरे से उठा मुझको यीशु ने, यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको, यीशु ने, यीशु ने गुरे से उठाया मुझको, यीशु ने, यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको, यीशु ने, यीशु ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमीन, आमीन, आमीन। बेशक उसका फजल ही हमारे लिए काफी है, जैसे उसने मैंने कितनी दफा ये फ्रेज रिपीट किया है कि उसने जब के शैतान जो के पाल को टूर्नामेंट कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था, तो उसने यीशु से कहा कि तू मुझसे ये हटा ले, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यीशु ने उससे कहा कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। सो हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस टू ओवरकम ऑल द इवल सिकनेस एंड डिजीजेस, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें हर दुख हटने बीमारी से शफा देता है, हर तरह की वो चीजें हटा देता है। जैसे कि अफेसियन 2:2 उसके 8 और 9 वर्स में कहा है कि फॉर इट इज बाय द ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड नॉट बाय वर्क सो दैट नो वन कैन बी बोस्ट। उसका कहने का मतलब है कि खुदावन का फजल हम पे वैसे ही काफी है, क्योंकि उसका फजल हर वक्त हमें ढूंढता रहता है कि अपना फजल हम पे करे। ये सिर्फ गिफ्ट है खुदावन का, खुदावन की अपनी पाक मर्जी का कि खुदावन ने ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है। बेशक हम गुनहगार भी हैं, तब भी उसका फजल हमारे लिए काफी होता है। इसका कहने का ये मतलब नहीं कि हम गुनाह ही करते रहें विलफुल, लेकिन ये है कि उसका जो फजल है वो कभी भी ना खत्म होने वाला है, वो हमेशा से हमारे साथ रहेगा। हम वर्शिप को जारी रखेंगे और मैं मारिया से कहूंगी कि वो एक और गीत गाएं खुदावंद की प्रस्तुति में। हाँ जी, वर्शिप कर रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, अभी तक कट रही है? अभी समझ नहीं आई थी तो इसलिए नहीं, अब ठीक है। अच्छा नहीं, वो मेरे पास से फिर तेरी शान जला ले ना शरिया तेनु धन धन लोकी कहंदे ने, तेरी शान जला ले ना शरिया तेनु धन धन लोकी कहंदे ने, ओ पागा भक्ता वाले ने किड़े कर विच तेरे रहंदे ने, ओ बागा बकता वाले ने जेड़े कर विच तेरे रहंदे ने, तेरी शान जनाली ना सरिया तेनु धन धन लोकी कहंदे ने, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता
हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता। किस मुश्किल कोलों डर देने, हर दुखड़ा जान ते सेंदे ने। किस मुश्किल कोलों डर देने, हर दुखड़ा जान ते सेंदे ने। तेरी शान जनाली ना सरिया, तेनु धन धन लोग कहंदे ने। जे तू परदा ना मेरी हामी, जे तू परदा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं बीच गुलामी, मर जांदा मैं बीच गुलामी, मर जांदा मैं बीच गुलामी। मैं तेरा कर्म नहीं भूल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहंदे ने। मैं तेरा कर्म नहीं भूल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहंदे ने। तेरी शान जनाली ना सरिया, तेनू धन धन लोग कहंदे ने। सूली चढ़ गयो जग दे कारण, सूली चढ़ गयो जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारण। जेड़े खून दे कतरे बैंदे ने, मेरे रोगां दा ओ दारू ने। जेड़े खून दे कतरे बैंदे ने, तेरी शान जनाली ना सरिया, तेनू धन धन लोग कहंदे ने। ओ वागा बखता वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। तेरी शान जनाली ना सरिया, तेनू धन धन लोग कहंदे ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट क्रॉनिकल 29:11 वर्स से, बेशक खुदावन ही अजमत और जलाल और कुदरत और शान वाला खुदावन है। उसके उसमें पाल सु पाल कहते हैं, पाल पास्टर पाल कहते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल No, sorry, Musa, 1 Chronicles 29:11 में वो कहता है कि Your Lord is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in the heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. He's worshiping the Lord, giving all the honors and glories. So do Jude 1:25, he say, To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Khudavand ka shukr ho is khubsurat mauka ke liye, is ache platform ke liye, ki hum uski huzuri mein aaye hain. Abhi hum khudavand ki shukrguzari ke liye dua karenge. Main muskan se kahungi ki wo khudavand ki shukrguzari के शुक्रगुजारी की दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआ करें और खुदा उनके बंदा के लिए। आज पास्टर इरफान जो है वो खुदा उनके कलाम की खिदमत करेंगे, तो आइए हम मुस्कान के साथ मिलकर दुआ करते हैं। मुस्कान आप उधर हैं, आप प्लीज दुआ करें खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए। जी जी प्रेस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते खुदा, तू ही हमारी शुक्रगुजारी करने के लायक है। यीशु मसीह के नाम में खुदा, दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं जिसके आगे झुके और सजदा कर सके। खुदा तू वाहिद है और तू अव्वल और आखिर है। आसमानी बाप तेरे आगे झुकते दूजी को सजदा करते हैं,
खुदा पूरी इबादत को तेरे ताबे करते खुदा, जितनी वर्शिप की गई खुदा तेरे हजूर बखूर की मानत कबूल हो खुदा, बाकी इबादत का जितना बाकी हिस्सा बाकी है खुदा उस पर भी तेरा कुदरत वाला हाथ मांग लेते खुदा, तेरे लोगों पर तेरा आसमान खुला रहे खुदा, आज के कलाम के वसीला से तरह के बंधन जो यीशु नाम से टूटते चला जाए खुदा, जिसने भी तेरे खादम ने या तेरी खादमा ने तेरे कलाम को भी पूरा कलाम देना खुदा, और हर तरह के बंधन जुए यीशु नाम से टूटते चला जाए खुदा, जितने लोग ऑनलाइन हुए खुदा सबके लिए तेरे शुक्र गुजार हूँ खुदा, जितने लोग ऑनलाइन नहीं हो खुदा किसी भी मुसीबत की वजह से परेशानी की वजह से खुदा उनके भी हर तरह तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र। आइए हम कलाम को सुनने से पहले एक कोर्स गाएंगे। अगर रवि मुझे सुन रहे हैं तो रवि आप खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स गाएं, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे और फिर उसके बाद हम पास्टर इरफान खुदावंद के कलाम को पास्टर इरफान को वेलकम करेंगे हमारे दरमियान। रवि हालेलुया हालेलुया। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बड़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत पाक रूह का मसा। पर सना दे तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बड़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बड़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत पाक रूह का। यस प्लस तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू मुझे शुक्र शिफा दे। खुदावन के बंदा को अपनी तालियों में वेलकम करते हैं, तो सारे अपने माइक अनम्यूट करके उनको वेलकम करें। मसीह यीशु के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आज जब हम खुदा के कलाम को सुनने को हैं, तो मैं चाहूंगा खुदा का कलाम
जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है, इस रोशनी में अपने सारे जीवन को धारें। आज अपनी पहचान इस कलाम के वसीला से करें। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से हमें दो आवाजें सुनने में मिलती हैं। एक आवाज अहद अतीक और एक आवाज अहद जदीद में से। और बड़ी दिलचस्पी की बात है, करीब दोनों ही आवाजों को बच्चे बड़े बुजुर्ग तमाम खुदा के कलाम को सुनने वाले अफराद बखूबी इन आवाजों से वाकिफ हैं। अहद अतीक में जो आवाज सुनने में मिलती है वो एक भेड़ की आवाज, और अहद जदीद में जो आवाज सुनने में मिलती है वो एक चरवाहे की आवाज। और इन दोनों हवालों को बिलखसूस संडे स्कूल में बाखूबी टीच करवाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त इस बात को पहचान लिया। अहद अतीक में मैं जिस भेड़ की आवाज की बात कर रहा हूं वो जबूर 23, और अहद जदीद में मैं जिस आवाज की बात कर रहा हूं यानी कि चौपान की आवाज, वो यूहन्ना 10 बाब में है। अहद अतीक जबूर 23 में जो आवाज है वो भेड़ की आवाज है। वो भेड़ अपने चुपान की तारीफ, उसकी स्ताइश, उसकी बारे में बयान कर रही है। और अहद जदीद में जो हवाला है यानी कि यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली 10 आयात, वो चरवाहे की मिसाल है। उसकी पहली 6 आयात, यूहन्ना की अंचीली बयान में चरवाहा डिफाइन करता है। वो बताता है कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता हूं। और अहद अतीक में मैं जिस आवाज के बारे में आप लोगों को बता रहा था वो एक भेड़ की आवाज है। जबूर 23 और उसकी पहली आयत को मैं आप सभी सामीन के लिए पढ़ना चाहूंगा। बच्चे बड़े सब इस सारे जबूर से बाखूबी वाकिफ है। मैं सिर्फ इसकी एक ही आयत को पढ़ूंगा और फिर खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। जबूर 23 जो कि दाऊद का जबूर है, उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। पाकलम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस हो। मेरे अशीजो, जब हम दाऊद नबी की जिंदगी का मताला करते हैं तो दाऊद नबी बेशतर इससे कि वो नबी या बादशाह डिक्लेयर होता, वो पेशा वराना तौर पर खुद भी एक चौपान था। और जब मैं इसके जिंदगी के बारे में मुताला कर रहा था
एक सवाल जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था वो ये था कि दाऊद नबी वो भी हमारी तरह इंसान था, ना के भेड़, लेकिन वो खुद को भेड़ से तशबी दे रहा है। और क्यों खुद को भेड़ कह रहा है? जब मैं इसके बारे में सीखना शुरू हुआ तो खुदा के कलाम में मुझे ऐसे अल्फाज सीखने में मिले जिनका बयान दाऊद ने अपने मजामीर में बाखूबी किया। मेरी चट्टान अपने खुदा के लिए उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए मैं वो बताना चाहूंगा। मेरी चट्टान, मेरी सिपर, मेरी ढाल, मेरी खुमक, मेरी निजात का सिंह वगैरह वगैरह, ऐसे अल्फाज उसने अपने चौपान के लिए इस्तेमाल किए जिनसे बखूबी झलकता है कि वो वाकया ही खुदा की भेड़ था। जब हम उसकी जिंदगी का मताला करते हैं, दाऊद खुदा के दिल के ऐन मुताबिक था। दाऊद क्यों ना खुशी से झूम झूम कर इस बात का चर्चा करे कि खुदावंद मेरा चौपान है? और याद रखिए, चौपान के रेवड़ में भेड़ और बकरी दोनों शामिल होते हैं, लेकिन दाऊद खुद को खुदा की बकरी की बजाय भेड़ डिक्लेयर कर रहा है। क्यों? अगर हम भेड़ और बकरी का मुवाजना करें तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है, बकरी के सींग होते हैं। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने, समझने और सीखने वाले मेरी तरह अदना से खुदा के तालिब इल्म हैं तो जो सींग है बकरी के वो गैर नजाबता शख्स से मुराद है और भेड़ से मुराद नजात याफ्ता लोग हैं। या दूसरे लफ्जों में कह लें, भेड़ से मुराद वो लोग जिनकी जिंदगी में खुदावन यसु मसीह है और बकरी से मुराद ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा नहीं है, नजात नहीं है। सींग ना होना इस बात की अलामत है कि भेड़ किसी की डिपेंडेंट है, और बकरी के सींग होना ये इस बात की अलामत है कि वो किसी की डिपेंडेंट नहीं है बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट है। हालेलुया। जब मैं दाऊद की जिंदगी के बारे में मुताला कर रहा था, पूरी बने इसराइल कौम को, जात के कबीले का दियोकामत शख्स जिसका नाम जाति जूलियत था, और मैं जब हिस्ट्री में इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री स्टडीज कर रहा था तो इसकी हाइट के बारे में मुझे जानने का इंकशाफ हुआ, करीब 9.6 फुट के करीब इसका कद लंबा था। और इसने बनी इसराइल कौम को ललकारा, बनी इसराइल कौम के खुदा की गैरत को ललकारा। दाऊद जिसका कोई मंसूबा या प्लान नहीं था इसके साथ मुकाबला करने का, लेकिन जाति जूलियत ने बनी इसराइल कौम को ललकारा और एक भी शख्स उसका जवाब देने,
उसका उसकी ललकार के खिलाफ खड़ा होने उसके मुकाबला में सामने नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो देव का मत शख्स है ये एक नाम और सिपा सलार है, ये तो पल भर में हमें मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन दाऊद जो अपने भाइयों के लिए अशियाए खुर्दनोश देने के लिए उनको जा रहा था, उसके कानों में ये फुंकार पड़ी और फिर उसने बादशाह साऊल के सामने जाकर इल्तजा की कि ये कौन होता है मेरे खुदा की गैरत को ललकारने वाला। उसने अपने आप को साऊल के सामने पेश किया कि मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन साऊल इसके कद की तरफ और जाति जुलियत के कद की तरफ देखकर हैरान हुआ होगा कि उसकी हाइट 9.56 फीट और इसकी 5.45 फीट, इसका मुकाबला उससे क्या होगा, वो तो इसे एक ही लम्हे में हलाक कर देगा। और उसने ना चाहते हुए भी इसको इजाजत दी और जब हम जाति जूलियत के उन सारे टूल्स को उन सारे उसके वेपन्स को देखते हैं जो उसने दाऊद का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए, बनिस्बत जाति जूलियत के दाऊद के जो वेपन्स थे उनमें सवाए फलाखन के और एक थैला जो वो हैंग करके अपने साथ रखता था और 5 चिकने पत्थरों के और कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम देखते हैं जाति जूलियत को, उसने कमर कस बांधा था, उसके पास खोर था, उसके पास तलवार थी और सिवाय पेशानी के करीब सारा बदन उसने झांपा हुआ था। और जब मैं इसके बारे में सीख रहा था करीब 400 किलोग्राम इसके सारे उन वेपन समेत इसका वजन तफसीर लिखने वाले बयान करते हैं। और जब बादशाह की तरफ से दाऊद को इजाजत मिलती है इसका मुकाबला करने की, तो ये जाति जूलियत का जब सामना करता है तो जाति जूलियत इसके कद को देखकर और ज्यादा गुस्से से भड़क जाता है और वो अपने अल्फाज बयान करता है और ज्यादा गुस्से का इजहार करता है कि तुम लोगों ने मुझे कुत्ता समझ रखा है। और इसके बरक्स दाऊद जो खुदा पर तवक्कल और भरोसा से लबरेज होता है वो खुदा की गैरत में वाविला और दीवाना हुआ बैठा होता है, वो जाति जूलियत को पुकार कर कहता है तू होता कौन है मेरे खुदा की तहकीर करने वाला। मेरे असीसो जाति जूलियत पेशावराना तौर पर एक सिपा सलार था, एक नामवर जंगजू था, बनिस्बत दाऊद के दाऊद एक चुपान एक गडरिया था। और जब कभी इसकी भेड़ों पर कोई जंगली दरिंदा हमलावर होता तो ये उसको पकड़कर चीर फाड़ कर दो हिस्सों में तकसीम कर देता था और
ये तवक्कल खुदा पर इसी तरह से करता था कि जाति जुलियत को भी इसी तरह दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। हालेलुया। जब इसका सामना जाति जुलियत से होता है तो ये एक चिकने पत्थर को फलाखन में लगाकर सिर्फ इसकी जाति जुलियत की पेशानी नंगी होती है, बाकी सारा बदन इसका वेपन्स के साथ, अपने डिफेंस के जो टूल्स होते हैं उनके साथ भरा पड़ा होता है और सिर्फ इसकी पेशानी नंगी होती है। और दाऊद उस फलाखन में उस चिकने पत्थर को डालकर जब हिट करता है तो वही चिकना पत्थर इसकी पेशानी जो कि नंगी होती है वहां हिट होता है और दूसरी तरफ से पार हो जाता है और उसी वक्त वो जाति जूलियत जमीन पर गिरता है, ढेर हो जाता है और दाऊद उसी की तलवार को निकाल कर वो उसी वक्त इसका सर तन से जुदा कर देता है। हालेलुया। मेरे असीसो, मैं इस बात को लेकर बहुत ही परेशान होता हूं जब मैं देखता हूं लोग चर्चेस में, प्रेयर सर्विसेज, प्रेयर मीटिंग्स में खुद को खुदा की भेड़ कहते हैं, खुदा की भेड़ शो करते हैं, लेकिन में असल में वो उस बकरी की मानद है जिनका तवक्कल अपने चुपान पर नहीं होता। लेकिन दाऊद क्यों ना वो कहे खुदावंद मेरा चुपान है, क्यों ना वो खुदावंद का चर्चा करे, क्यों ना वो खुदावंद के नाम की तमजीद करे, क्यों ना वो खुदावंद को कहे कि ये मेरा ऊंचा बुर्ज है, क्यों ना खुदावंद को ये कहे कि ये मेरी चुटान है, क्यों ना खुदावंद से कहे कि ये मेरी कुमक, ये मेरी सिपर, ये मेरी ढाल है, ये मेरी नजात के असींग है, ये मेरी छिपने की जा है। मेरे असीसो, दाऊद की जिंदगी का जब हम बखौर मुताला करते हैं तो दाऊद ही वो वाहिद शख्सियत है जिसको खुदा ने अपने दिल के ऐन मुताबिक करार दिया है। दाऊद क्यों ना खुदावंद को अपना चुपान और खुद को उसकी भेड़ कहे। मेरे असीसो, हम एक प्रेयर सर्विस में थे और वहां एक बुजुर्गा को चंद लोग लाए जिसको इब्लीस ने जकड़ रखा था और जैसे हम सब दुआ में ठहरे उस बुजुर्गा के लिए और खुदावंद यीशु के नाम से उस बदन को छिड़का, इब्लीस ने उस बदन को छोड़ा, यीशु मसीह के नाम से वो बदन आजाद हुआ। बथेरे जो उस प्रेयर सर्विस में खुद को ईमानदार, खुद को खुदा की भेड़ समझकर शामिल थे, जब उन्होंने देखा कि ये बुजुर्गा के बदन को इब्लीस ने जकड़ रखा है तो उसी वक्त वो डरकर उस प्रेयर सर्विस से भाग गए। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होते तो गैर ईमानदार हैं, होते तो गैर निजात चाहता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी पर गौर करें तो बचपन से ही वो पढ़ते रहते हैं खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। याद रखिए, आपके जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का होना आपकी नजात का बाइस है और उस पर भरोसा, उस पर तवक्कल करना इस बात का सबूत है कि वो आपका चुपान और आप उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। और जब हम दाऊद की जिंदगी का मुताला करते हैं, दाऊद नबी ने जो जंगे खुदावंद पर तवक्कल, खुदावंद पर भरोसा करने से लड़ी,
उनमें उसे फतह हुई, लेकिन जो जंगे उसने अपने फौजियों की गिनती या उन पर एतमाद करके लड़ी उनमें उसे शिकस्त हुई। याद रखिए, अगर हम खुदावन की हैकल में आते हैं, अगर हमने खुदावन यीशु मसीह को ओढ़ लिया है, खुदावन यीशु मसीह को पहन लिया है, अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को दे दी है, उसको अपना अच्छा चुपान डिक्लेयर कर दिया है, तो हमें उस पर हमेशा तवक्कल और भरोसा रखना है। हमें ऐसी कलीसिया नहीं बननी या बनना जो दरअसल उस बकरी की मानिंद है जो सेल्फ डिपेंडेंट है या जिसके चुपान के अलावा उसका भरोसा किसी और पर है। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल हमारे मुनजी आलमगीर नजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है कि अपनी 99 भेड़ों को भी छोड़कर वो एक भेड़ को भी बचाने के लिए दौड़ा चला जाता है, उसके लिए भी वो परेशान होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमें जरूरत इस अमर की है, अपनी जिंदगी में हम खुद इस बात को सोचें, क्या हम उन गैर निजात याफ्ता लोगों की मानिंद सिर्फ अपने लबों से खुदावन मेरा चुपान पढ़ते हैं, खुदावन मेरा चुपान अपने लबों से बयान करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी मानों में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपने ऊपर जो आपने बकरी यानी कि गैर निजात जाता लोगों की छाप लगा रखी है उससे दूर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चुपान, अच्छा चरवाहा है, उसकी अच्छी भेड़ बन जाइए, उस पर मुकम्मल तवक्कल और भरोसा करके। और मैं बार बार आपको भेड़ और बकरी का तजाद बता रहा हूं, शायद इसको आपको समझने में मुश्किल, परेशानी या दुश्वारी हो, आए खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हैं। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है, आए उससे अपनी हदायत और रहनुमाई हासिल करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसकी उसके 25 बाब और उसकी 31 से 34 आयात तक मैं खुदा के कलाम से पढ़ूंगा। मेहरबानी करके गौर से सुनिएगा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है,
उसे मिरास में लो। याद रखिए, मिरास बादशाही सिर्फ उस कुर्बान की भेड़ों के लिए है, बकरियों के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और 41वीं वर्ष में बकरियों का अंजाम यानी के गैर नजात याफ्ता लोगों का अंजाम भी देखिए। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, अगर आज तक सिर्फ अपने लफ्जों से, सिर्फ अपने अल्फाजों तक ही आप खुदावंद को अपना चुपान कहते रहे हैं, आज अपने लफ्जों के साथ साथ अपने दिल से भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना चुपान कबूल कीजिए। मत देखिए माजी में कि आप की किस इंसान ने मदद की या किसी ऐसे जराए की वजह से आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में इजाफा हुआ। किसी इंसान पर तवक्कल या भरोसा करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पर तवक्कल करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है, करता है। और हम खुदा की, अपने मुनज्जी, अपने छुपान की भेड़े हैं और उस छुपान ने अपनी एक एक भेड़ को बचाने के लिए अपना कीमती लहू बहा। अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि उसकी भेड़ें बच जाए, ताकि उसकी भेड़ें हलाक ना हो। मेरे अजीजो, दाऊद क्यों ना खुशी से अपने चुपान की हमद करे, उसकी स्ताइश करे, उसके लिए रूह में झूम झूम कर गाए। क्यों ना वो फतह मंदी से उसके नाम को जलाल दे, और क्यों ना वो पुकार पुकार कर कहे, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आज दुनिया में आपका स्टेटस जो कुछ भी है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात, आपकी जिंदगी के तमाम वो अवामल जिनमें आप मायूस हैं, नाकाम हैं, किसी इंसान पर भरोसा करते रहे हैं और चंद महीने, चंद दिन, चंद साल उसने आपका साथ दिया, बाद में आपको छोड़ दिया। आप भाई, आपकी बहन, आपका वालद, आपकी वालदा, आपका कोई और खूनी रिश्तेदार जिसने आपको छोड़ा, आप याद रखिए, ये वादा
आपके किसी खूनी रिश्ता दार ने, यहाँ तक कि आपके वालिद या वालदा ने भी आपसे नहीं किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वादा सिर्फ मनजी खुदावंद यीशु मसीह ने, जो हमारा चौपान है, उसने किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज जाति जूलियत की माने आपके खराब हालात क्यों नहीं आपके सामने खड़े, आपकी बीमारी जाति जूलियत की माने तो बुलंद क्यों नहीं आपके सामने, आपकी गुर्बत चाहे वो जाति जूलियत की तरह बुलंद है, आपके कर्सेस जाति जूलियत की तरह आपके सामने बुलंद खड़े हैं। आप इन सब से कह दें कि तुम सब नेस्त होने वाले, तुम सब छोटे हो, मेरा चुपान, मेरा मुनजी यीशु मसीह जिसने मेरा फदिया दिया, वो तुम सबसे बुलंद है। आज अपने लबों से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी आप पुकारना शुरू करें कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और याद रखिए, जिसका चुपान ही खुदावंद हो जाए उसको फिर कोई कमी नहीं होती। आज उस चुपान की बेलोस मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में महसूस कीजिए। अगर आप उस उन 100 भेड़ों में से 99 भेड़ें जो छोड़कर एक भेड़ की तलाश में हमारा मुनजी जाता है, अगर उस एक भेड़ की तरह आप उसके रेवड़ से भटक चुके हैं, उसके छिदे हुए हाथ को देखिए, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर वो चुपान आपको, मेरे भाई मेरी बहन जो आप उसकी भेड़ है, वो आपको बचाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास लौट आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फदिया दिया है। आप भी दाऊद की तरह, दाऊद नबी की तरह दिल के साथ उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कहें कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और जिस तरह दाऊद, मैं पूरा जबूर आप सबों के लिए पढ़ूंगा और इसमें ब्लेसिंग्स देखिए, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो आपको बहाल करना चाहता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो अपने नाम की खातर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बल्कि खामोद के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि मेरा छुपान, मेरा मुनजी, मेरा सतर्यूम, मेरा दीकारूस खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है। तेरी आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, तूने मुझे मसा किया है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा, क्योंकि खुदावंद की हजूरी में कामल शादमानी है। आज
सब जिंदगियां जो आज कलाम की शिनवा हुई, आज मैं ईमान के साथ दावा करता हूं, उम्मीदें वासी करता हूं, आज से ये दिल के साथ खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा चौपान है उसकी भेड़ बन जाए, उस पर भरोसा, उस पर हमेशा तवक्कल करें, तो जूलियत की तरह, जाति जूलियत की तरह देवकामत आपकी बीमारियां, आपकी गुर्बतें, आपकी लानतें जितनी ही बुलंद क्यों ना हो, अगर आप दाऊद की तरह उस खुदावंद पर जिसको उसने चुपान तस्लीम किया, आप भी उसको चुपान, उसको अपना मनजी, आपका अपना नजात दहिंदा तस्लीम करें, तो मेरे अजीजो आप भी इन तमाम जाति जूलियत पर फतह पा सकते हैं, उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब खुदावंद अपने चुपान की अच्छी भेड़े बनकर उसके हाँ हमेशा सुकूनत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर फॉर, थैंक यू ब्रदर फॉर दिस वंडरफुल मैसेज, शेपर्ड्स एंड शीप। एज इट से जॉन 10:27-28, माय शीप हियर माय वॉइस, बिकॉज़ टुडे इज द शीप्स, माय शीप्स हियर माय वॉइस। शीप इज द इनोसेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनोसेंट प्योरिटी, and as the brothers to distinguish between the sheep and the goats. The goats are, you know, they are wild, the sheep are innocent. So God is always worried about his sheep, and he is the good shepherd, and he's saying in John 10:27-28 to his sheep, and I know them and they follow me, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So this is what the God talking about, that he is a great shepherd. He is a good shepherd. He's a gentle shepherd. He's a very protective and gentle and great shepherd. Where is say into, what happened here? Where is say into, to say there is no other we can turn to who can help us face another day. Gentle shepherds, come and lead us, for we need you to help us find our way. This is the voice of the sheep is calling to the gentle shepherd. And then Jesus said, he declared himself that I am the good shepherd. So John 10:11, he's saying that I am good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. As King David, when he knew that, you know, the lion or any beast is taking away his sheep, so he ran after and defeat and take the sheep out of the beast mouth, and he always tried to lay his life. So did Jesus Christ laid his life for his sheep so we can be safe. And he obviously, he's always going after the lost sheep. Many sheep, he said, he will leave the 99 out of 100. If one turn away, go away, he will leave the 99 and he will go after the lost sheep. So God is always, who's our good shepherd, he is always looking for the lost sheep. He's always worried about his lost sheep. He always going, because the sheep is like we already said, like it's a representation of the innocent, and it's to represent the purity and the holiness. That is why God used his flock, his people, his sheep, because they become holy when they go to the holy shepherds, when they follow the Lord, then they become his pastures. As Psalm 103 say, know that the Lord himself is God, who is our great shepherd. It is he who had made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pastures. So we are his flock. He's always looking after his sheep as he already did. So he is the hiding place, the good shepherd. We come to the shepherds and protect ourselves, because he, when we become his sheep, he will not let us lack in anything. He will give his deep peace to us. We walk with his deep peace in us, Lord, because peace comes from he, and then he blesses abundantly. As long we as a sheep hear his voice,
and follow him. So he always take care of everybody's. Thank you for this wonderful message. I will ask Maria, main aapse kahungi ki is khoobsurat kalam ke liye aap dua karein taki khudaavand iske is khoobsurat kalam ke wasila se hame barkat mili hai baaki bhi iske wasila se barkat paaye. मारिया आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही आ रही है. आप खुदा उनके इस अच्छे कलाम के लिए जो हमें भाई साहब ने बयान किया है, अब दुआ करें उसके लिए, बरकत चाहें और हम जिसके पास पैरिस के लिए. हालेलुया, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मोहब्बत तेरे फजल के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए. खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. खुदा उन तेरा कलाम हमेशा हमारी सिपर हमारी ढाल बनता है. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, इन अच्छी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादिम के लिए. खुदावन इनके वसीले से तू आज हमारे साथ बोला है. खुदावन इस कलाम के वसीले से जितने भी लोगों ने तेरे खुदावन इस कलाम को सुना है बरकत पाए, और आगे भी जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं अभी से तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि ये जिंदा कलाम खुदा तेरा खुदावन जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो. हमेशा तेरा कलाम तेरे लोगों का पीछा करता रहे. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादिम के लिए भी, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और ज्यादा खुदावन बढ़ा, खिदमत की हदूद को बढ़ा, ताकि तेरा खादिम इसी तरह तेरे कलाम की रोशनी लोगों तक लेकर जाए और जिंदगियों को बचाने का वसीला बनता रहे. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन, आमीन. आइए, अभी किसी को कोई गवाही है तो वो हमारे अभी गवाही दे सकता है. खुदावन के जलाल की कोई गवाही है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, और ताकि हम उससे बरकत पाएं और दूसरे भी उसको सुनकर बरकत पाएं. जी, मैं शेयर करूं. हाँ जी. मेरा ना रात को ना काफी गला मेरा तकरीबन बंद हो चुका था, तो सुबह 4 बजे उठ के मैंने ना कोई गर्म पानी करके मैंने गरारे वगैरह किए, मेरी सांस बंद हो रही थी, गला बहुत ही खराब था, दर्द थी 2-3 दिन से ना, तो बहुत ज्यादा पेन भी थी, तो फीवर भी हो गया उसकी वजह से. लेकिन मैं अभी जब मीटिंग ज्वाइन किया तो मैं अभी सोच रही, तो मैंने कहा मुझे गीत गाने का ना कहे तो, क्योंकि मेरे से गाया नहीं जाएगा. तो खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि मैं मेरा गला बहुत बेहतर है. खुदावन का शुक्र है, शुक्र है खुदावन का, ये उसके जलाल के वसीला से हुआ. आमीन, हालेलुया. और सिस्टर नसीम, आपकी कोई और गवाही है तो? मारिया हमारे साथ प्रोबल है. प्रोबल जी प्रबल है. मैं जी चले, हम फिर प्रबल के साथ मिलके ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे. हम दुआ करेंगे मेलनी के लिए. हम मेरी बॉस है, उसका नाम है बानी. उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम. पहले उसको डॉक्टर कहते थे कि उसके हार्ट में कुछ वेन्स में कोई ब्लॉकेज है, तो वो कभी काम पे आती है कभी नहीं, कभी तो बिल्कुल ठीक होती है. तो कल मुझे वो मेरे दूसरे बॉस ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, तो हमने उसके लिए उधर भी दुआ की थी, तो हमने उसके लिए दुआ करनी है. बानी स्टाइट्स उसका नाम है, STITES स्टाइट्स. तो उसके लिए फिर सिस्टर नसीम है, उसकी फैमिली के लिए दुआ करें. अब हमारे पास्टर सदीक साहब है, हमारे बड़े मतलब सीनियर पास्टर हैं,
वो बीमार हैं, खुदावन के फजल से वो ठीक हो रहे हैं, तो हम उनके लिए मुसलसल दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहत याब हों और हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करें। और बाकी मेडिकली दुआ करते रहें, हम सब के लिए दुआ करें, जितने हमारे साथ जुड़े हैं खादमीन उन सब के लिए बरकत चाहें, सबकी फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी, गैर कौमों के लिए भी, और स्पेशली इस डेंगू फीवर के लिए। और इस COVID-19 पे तो हम खुदावन ने इंसानों को हिकमत दे के उसको उस पर ओवरकम हो रहे हैं, लेकिन मुझे दुआ में याद रखें, मैंने भी उकाड़ा शहर में जाना है खिदमत के लिए इसी मंथ की जो लास्ट 3 डेज है ना उनमें। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो भाई के लिए, अनी भाई के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद इनके साथ हो, अपने जलाली काम करे उधर और इनको कसरत से इस्तेमाल करे और अपनी भेड़ों को लेकर आए ताकि वो अपनी उसकी खादमीन की आवाज सुने। और बिल्कुल दुआओं में याद रखें, हमने बच्चों के उधर संडे स्कूल के लिए बाइबल्स का अरेंज कर लिया, बाकी कुछ हमें बाइबल्स चाहिए उधर जो ज़हीफ लोग हैं, बिल्कुल बड़े अल्फाबेट्स वाली बाइबल्स और दूसरी भी कुछ बाइबल्स चाहिए, खुदावंद सारे वसाइल मुहैया करे। चलें, खुदावंद करेगा, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने किया जितना किया उसके उसके लिए शुक्र हो और बाकी भी वो खुदावंद मुहैया करेगा। तो आइए हम ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रोबल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जी हाँ जी, मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे तख्त के सामने आते हैं, तू जो कादर मुतलक खुदा है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू इज्जत के लायक है, तू हशमत के लायक है, तू बुजुर्गी के लायक है, तो अल्फा ओमेगा है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन, तेरे बंद की को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये फजल बख्शा है खुदा कि हम तेरे नाम को जलाल दें, हम तेरे नाम को वड्याएं, तेरे झंडे को लहराएं खुदामंद, क्योंकि तू अजीम है, तू इज्जत करता है अपने लोगों की खुदा, तो अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदामंद, तेरे वादों के लिए तेरा कलाम फरमाता है, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा, खुदामंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, वादे हमारे साथ हैं, तेरा कलाम फरमाता है तू खुदावंद अपने खुदा में मसरूर रह, तब मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे वादे हमारे साथ हैं, तेरा कलाम फरमाता है जहां दो या तीन तेरा नाम लेते हैं तू वहां पे मौजूद होता है, तो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तो अपने लोगों की दुआओं पे कान झुका लेता है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, फजल हमारे लिए काफी है खुदा, तेरा बंदा पलूस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मैं तेरी मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है, रूह कुदुस खुदा तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे वड़ियाते हैं, तुझे गाते हैं, तेरी सताइश गाते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही पाओ खुदावंद हमारी पाओ खुदा साथ खड़ा होने वाला खुदा है, तू ही हमारी दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है, कोई और मबूद नहीं है खुदा, तू वाहिद खुदा है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, जो अपने लोगों की खातिर समुद्रों के सीनों को चीर देता है, तो जो हवाओं के रुख को बदल देता है, तूफानों को थमा देता है खुदा, हवा पानी तेरा हुक्म मानते हैं खुदा, तू पानियों पे चलने वाला खुदा, तू मुर्दे जिंदा करने वाला खुदा, जहां पे तू होता है वहां पे जिंदगी होती है, मातम शादमानी में बदल जाते हैं खुदा, मौत जिंदगी में बदल जाती है खुदा, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है खुदा, तेरे आ जाने से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अंधे देखते लंगड़े चलते गुंगे बोलते हैं खुदा, तेरी सताई तू रब्बुल्फाज खुदावंद है, तू जब फरमाता है खुदा तू सब कुछ हो जाता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जब तू बोलता है तो हिरनिया के हमल गिरना शुरू हो जाते हैं, तेरे बोलने से यरू की दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ खड़ा है खुदा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारे दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी दुआओं का जवाब देता है, यीशु के नाम इन सारी दरखास्तों को तेरे मजबा पे लेके आते हैं,
यीशु के नाम में तेरे हाथ को मांगता हूँ खुदा, तू नाम बना में जानते हैं खुदावंद, हर एक को खुदावंद यीशु के नाम में सब पे तेरा हाथ बड़े रूल कुदस खुदा। पास्टर फांस साहब ने खुदा जब रिक्वेस्ट की है खुदावंद खुदा खिदमत के लिए तेरा बंदा जा रहा है, तो यीशु के नाम में असले नो कबों जैसा जोर दे के इस्तेमाल कर खुदा, बड़ी कुदरत के साथ अपने बंदा के इस्तेमाल कर खुदा, जिंदगियां आजाद हो खुदा, तेरा बेटा यीशु मसीह खुदा इज्जत और जलाल पाए खुदावंद यीशु के नाम में। सारी खिदमत में खुदा तो अपने बंदे के साथ हो खुदा, जिस चीज की जरूरत है तो अपने आसमान के लाही खजाने खोल के मुहैया कर खुदा, क्योंकि तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है खुदावंद, तू मुहैया करने की कुदरत रखता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में, तेरे खादिमों को तेरे हाथों में देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, पास्टर सदीक साहब को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, तो अपने बंदे को उठाओ खुदावंद, तेरे खून को उसकी बॉडी में मांग लेते हैं यीशु के नाम में खुदावंद, तेरा खून उस बदन में आ जाए खुदा, तेरा खून जो शफा का काम करता है, तेरा खून जो हमारी निजात के लिए बह गया खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तूने हमारे लिए अपनी जान दे रही है खुदावंद, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। बाकी दरखास्तों को खुदा आंटी नुसरत को आंटी नसरीन को तेरे हाथों में देते हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज पे खुदावंद तेरा हाथ बढ़े, इनके खानदानों पे तेरा हाथ बढ़े, तेरी बरकत आए खुदा, पास्टर रशीद साहब को तेरे हाथों में देते हैं खुदा यीशु के नाम में, अपने बंदे को संभाल, जब तेरा बंदा तेरी खिदमत करता है तो यीशु के नाम में, तो अपने बंदे को खुदा हिकमत के साथ इस्तेमाल कर यीशु के नाम में, पास्टर फयाज साहब को, पास्टर कमर साहब को खुदावंद, आंटी नसरीन को खुदा तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में खुदावंद, और जितने हमारे साथ खुदावंद इस फैमिली का हिस्सा है तेरे यीशु के नाम में खुदा, उनकी जिंदगियों में तेरी जिंदगी आ जाए खुदा, उनके हाथों में तेरे हाथ आ जाए खुदा, उनके खानदानों में तेरी हजूरी आ जाए, तेरे पाक रूह का मसा आ जाए खुदावंद, जिंदगियां आजाद हो खुदावंद, जकड़े आजाद हो यीशु के नाम में, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के तू अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, तो कभी शर्मिंदा होने नहीं देता यीशु के नाम में खुदा, दुआ करते हैं खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो नशे की हालत में खुदा, जुए की लानतों में जकड़े हुए, जनाकारियों में, बदकारी में खुदा, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है यीशु के नाम में खुदावंद, तूने अपना खून उनके लिए बहा दिया है खुदा, ताकि वो जिंदगी पाए यीशु के नाम में खुदा, तेरी हुजूरी से उनके लिए दुआ करते हैं, तो अपने लोगों को खुदा जगा खुदा, अपने लोगों को नींद से उठा खुदावंद, इबलीस के सारे मंसूबे जो इन जिंदगियों के खिलाफ हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में कैंसिल हो खुदा, जुए के अड्डों पे खुदावंद यीशु के नाम में खुदा कैंसिल करते हैं खुदा, उनको नशे के अड्डों को कैंसिल करते हैं, सनाकारियों के अड्डों को, बदकारी के अड्डों को कैंसिल करते हैं खुदा, पा खुदा बाकी जितने भी खुदा इबलीस के प्लान खुदा, जितने जाल खुदा वो बांध रहे तेरे बेटे यीशु के नाम में कैंसिल कर दे खुदा, में मर्दे दुआ बना दे, मर्दे खुदा बना दे, मर्दे ईमान बना दे खुदा, हम खड़े वाले बन जाए खुदा के सामने, खड़े होने वाले बन जाए, जिस तरह तेरा बंदा एलिया कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर खुदा, तेरे यीशु के नाम में खुदावंद इन सारी दरख्वास्तों को खुदा फिर से तेरी हुजूरी में लेके आते हैं, याद करते हैं खुदा, तेरा हाथ बड़े खुदावंद, तू नाम बना जानता है खुदा, तू भर कर दे अपने लोगों को, आसमान के दरवाजे खोल के हीलिंग दे खुदावंद यीशु के नाम में खुदा, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद, छू और बरकत दे, मसीह यीशु के फतामंद जलाली पाक पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। हे मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी आज में चलाल हमेशा से ते रही है। पास्टर फान आप कलामी बरकात अदा करें प्लीज। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत तमाम सुनने वाले सामीन के साथ, इनके घरानों, इनके कुंभों के साथ, बिलखसूस होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के साथ, खुदा की कौम बने इसराइल और शहर यरूशलेम के साथ, अब से लेकर अब्दुल आबाद होता रहे, और खुदा के लोग कहें आमीन 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 आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। May His peace, love, mercy, grace, Holy Spirit be with us all. Khuda unka shukr ho. Khuda unka sab ko.